आज ओडीआई वर्ल्ड कप का 7वां मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान शाकिब ने टॉस के वक्त कहा कि आज थोड़ा मौसम ठंडा है, जिसके कारण हमारे तेज गेंदबाज विकेट से कुछ मदद प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस मैच की पहली इनिंग की कहानी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनके गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए 350 से ऊपर का स्कोर बना दिया है। टॉस जीतकर जैसे कि शाकिब ने कहा कि उनके तेज गेंदबाज पिच का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन मैच में कुछ उल्टा ही होता हुआ दिखा हमें। इंग्लैंड की पारी के दौरान उनके ओपनर डेविड मलान और जॉनी बेस्ट्रो ने शाकिब के गेंदबाजों का ही फायदा उठा लिया और खूब ढेर सारे रन बनाए। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 107 गेंदों पर 115 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। जॉनी बेस्ट्रो ने 59 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली। हालांकि जब शाकिब ने देखा कि उनके तेज गेंदबाज तो इस पिच का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने खुद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ली और बेस्ट्रो को 18वें ओवर में बोल्ड कर पवेलियन भेजा। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज तो मन बनाकर आए थे कि आज हमें अपनी रनों की भूख पूरी करके जाना है। और फिर क्या था, डेविड मलान ने वर्ल्ड कप का पहला और अपने करियर का 6ठा शतक केवल 91 गेंदों पर पूरा किया। इस दौरान उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 151 रन की शानदार साझेदारी भी की और टीम के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचाया। डेविड मलान 107 गेंदों पर 16 चौके और 8 छक्कों की मदद से 140 रन की शानदार पारी खेली, जबकि 3 नंबर पर खेलते हुए जो रूट ने भी वर्ल्ड कप का अपना लगातार दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 82 रनों की पारी खेली। रूट को 42वें ओवर में सरीफुल इस्लाम ने विकेट के पीछे कैच आउट कराया। वहीं जॉस बटलर और हैरी ब्रूक ने 20-20 रन का योगदान दिया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अंत में सैम करन के 11 रन, क्रिस वोक्स के 14, आदिल रशीद के 11 रन की मदद से इंग्लैंड का स्कोर 50 ओवर में 362 रन तक पहुंचा। बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट और सरीफुल इस्लाम को 3 विकेट मिले, जबकि शाकिब और तस्कीन अहमद एक एक विकेट निकालने में सफल रहे। अब देखना होगा 363 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश की बैटिंग चेस कर पाती है या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने आज एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज भी खिलाया जो कि बाएं हाथ के रिस टॉपली हैं और साथ में उनके मार्कवुड और क्रिस वोक्स भी हैं, जो कि काफी अच्छी गति से और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजी में आदिल रशीद होंगे। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम लिटन दास, नजमुल हुसैन संधु और शाकिब से एक बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए क्रिकेट डायरेक्टर को देखते रहें। धन्यवाद।